सचिव रोजगार सहायक व दबंगों से प्रताड़ित आदिवासी अनपढ़ महिला सरपंच को नहीं मिल पा रहा न्याय। टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बमोरी खास की पीड़ित महिला आदिवासी सरपंच श्यामाबाई अपने समर्थकों के साथ रात भर मुख्यालय पर बैठी रही। आज सुबह न्याय की गुहार लगाते हुए उसने पुनः आवेदन दिया। न्याय के लिए एक आदिवासी महिला सरपंच को इस तरह रात भर बैठकर इंतजार करने के लिए मजबूर होना जिला प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक बात है। महिला सरपंच के साथ आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बमोरी खास में निर्वाचित महिला सरपंच तो सिर्फ नाम की रह गई है, जबकि असली सरपंच बनकर गांव के कुछ दबंग लोग अपनी दबंगई दिखाते हुए पंचायत सचिव रोजगार सहायक की मिलीभगत से पंचायत की राशि हड़प रहे हैं, जिसका विरोध करने पर महिला सरपंच श्यामाबाई के साथ मारपीट की गई। ये लोग इतने बेखौफ हैं कि इनकी वजह से आदिवासी महिला सरपंच को अपनी पंचायत व घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ ग्राम बछौड़ा में रहना पड़ रहा है। अनेकों बार शिकायतें करने के बाद भी महिला सरपंच को वर्षों बाद भी न्याय नहीं मिला। अचंभे की बात तो ये है कि भ्रष्टाचार रहित सुशासन एवं महिला सुरक्षा का दम भरने वाली भाजपा शासन में उक्त महिला आदिवासी सरपंच भ्रष्टाचार के विरुद्ध अकेले ही जंग लड़कर ग्राम पंचायत बमोरी खास में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही है, लेकिन महिला सरपंच पद पर रहने वाली श्यामाबाई को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ग्राम बमोरी खास में स्थित घर छोड़ने के बारे में बताते हुए ग्रामीण ने कहा कि महिला सरपंच के परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट की जाती है, जिसकी वजह से अब महिला सरपंच ग्राम बछौड़ा में सुरक्षित अपने रिश्तेदारों के घर रह रही है, लेकिन सरपंच होने के बावजूद भी वह अपनी ग्राम पंचायत नहीं जा पा रही है। हैं? श्याम भाई। कहाँ से हैं श्याम भाई? बमोरी से। श्याम भाई बताएं, जो आज आप लोग इधर आई हो, रात में भी आई थी, क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है कि सेक्रेटरी सचिव हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ। हमारा रिपोर्ट लेने के लिए आए थे तो मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, मारने की धमकी दे। क्या नाम आपके यहाँ का सेक्रेटरी का? हरिराम कुशवाहा। तो क्या आप ही की पंचायत में है क्या? आप कौन हो पंचायत में? सरपंच हो। तो कब से ये परेशान कर रहे हैं आपको? एक महीने से परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान के हमने मांगा तो हम हमारे कार्ड देंगे, हम दूसरा से सब करने हैं। अच्छा, दूसरा शिकायत होने में दूसरा से। आपके साथ कल मारपीट भी की थी? कितने लोगों ने मारपीट की थी? आप कल आप एसपी ऑफिस भी आए थे हरिजन थाने, रात में आई थी आप। अच्छा, आप अपने घर कितने दिन से नहीं जा पा रहे? महीना भर से आप अपने घर नहीं गई? तो फिर कहाँ रहती है तुम्हें? हम रहते हैं बछौड़ा में। बछौड़ा में किसके यहाँ? तो आपने पहले शिकायत नहीं की थी इसकी सेक्रेटरी की? अभी जो है एडिशनल साहब से आप मिली इधर एसपी साहब से, क्या कहा उन्होंने? जी कहा कि आवेदन तुमने लगाओ तो नहीं। हाँ, भमोरी से ज्ञापन देने आए हैं, क्या है उनका मामला? आज अपने जो सरपंच हैं श्याम भाई आदिवासी द्वारा और गांव के अन्य महिलाओं के साथ में अभी ज्ञापन प्रस्तुत किया है, वह आपके सामने है। इनका कहना है, उनका जो रोजगार सहायक है और सचिव है, इनका अंगूठा दस्तखत करा करके लाखों करोड़ों रुपया निकाल लिया है और बेवजह से, मतलब इनको बताया नहीं गया। उसका इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारा जो है उसका नाजायज फ़ायदा उठा करके सास की राशि को निकाल करके अपने खर्च में ले लिया गया है। इसकी जांच के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। हम जिला परिषद सी ओ साहब से पर्सनल चर्चा करके इसमें प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे जाँच हो सके और कार्रवाई किया जाए और दोषी के विरुद्ध में अच्छी कार्रवाई हो सके। थैंक यू।